नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर में तेल मिल गेट के निकट पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा ने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नानक चंद शर्मा एवं सुनील कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष आशीष चौधरी निवासी कादराबाद को पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, शुभम भारद्वाज को उपाध्यक्ष एवं नरेंद्र कुमार को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। इस मौके पर लीलू प्रधान, शाहिद प्रधान, अरुण तोमर, दीपक राठी, रविंद्र त्यागी, बबलू अमराला आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो कॉन्फ्रेंस करी है, क्यों करी है, क्या मामला आज? आज हमारे जो है पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नानक चंद शर्मा जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील जी द्वारा आशीष चौधरी और नरेंद्र जी को जिला गाजियाबाद का पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी उनके द्वारा सौंपी गई है, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और ये बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और मैं समझता हूँ, और एक शुभम भारद्वाज हैं जिनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये तीनों लोग बड़े ही सामाजिक और एक्टिव कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूं कि उनके पार्टी में ये पदभार संभालने से हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और हम विश्वास करते हैं कि वह सही दिशा में इसको लेकर के जाएंगे। और जो हमारा नेतृत्व है आदरणीय जैन चौधरी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। आपकी बात चुनावों में राष्ट्रीय रणनीति क्या रहेगी? राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति गरीब की, किसान की, मजदूर की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, उनके वर्गों की बात ऊपर उठाकर उनको न्याय की बात करके, उनको बेसिकली न्याय की बात करने की हमारी ये रणनीति कोई खास नहीं है, जो तो हमारी पहले से चलती रही है उसी पर। समाजवादी पार्टी से गठबंधन अभी राष्ट्रीय लोकदल का टूटा नहीं है, तो क्या जो छोटी बड़ी पार्टियाँ जो और भी चुनाव लड़ेंगी, क्या उनके साथ भी गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किया जाएगा? ये तो मेरे नेतृत्व का काम है, ये उनके सोचने का काम। अच्छा, एससी में अब की बार यहाँ पर जो ओवैसी साहब है वो भी लड़ते हैं, आपको करना पड़ेगा इसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को? अनुसूचित जातियों को हमेशा लोगों ने वोटों के तौर पर काम किया है, उनकी कभी कोई बात नहीं की, काम नहीं की। जैसे बाबा साहब ने जो चाहते थे, बाबा साहब की बात को यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने पहले न्याय की बात की है, और इस बार मेरे नेता ने अपनों की बात को रखा है जहाँ पर पढ़ाई की बात है, मजबूती की बात है। पहली बार यदि कोई राष्ट्रीय लोकदल अपने मैनिफेस्टो में कहता है, घोषणा कर रही है कि यदि सरकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की बनती है, तो फिर जो दुनिया के श्रेष्ठतम 500 संस्थान हैं वहाँ पर बच्चों को, जिन बच्चों को प्रवेश मिलेगा, उनका सारा खर्चा राष्ट्रीय लोकदल की सरकार वहन करेगी। शहर के अंदर रहने वाले श्रमिक जैसे गाँव की तर्ज पर, मनरेगा की तर्ज पर है, शहर के अंदर पहली बार गरीब की, किसान को गरीब की यदि बात किसी ने की है तो वो मेरी पार्टी की घोषणा है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अक्टूबर में हमारे 30 अक्टूबर को संकल्प पत्र में सामने आने जाए। थैंक यू। आने वाला है उसमें हमारे समस्त पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान के तौर पर मानदेय भी हमारी पार्टी लेने का काम करेगी, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जो ग्राम सभा का मेंबर भी इसका सदस्य है, ग्राम पंचायत का मेंबर भी इसका सदस्य है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी इसका सदस्य है, जिला पंचायत का चेयरमैन भी इसका सदस्य है। तो और इसी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 35 विधान परिषद सदस्य चुनाव जीतने का काम करते हैं। तो आदरणीय जैन चौधरी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी देने का काम किया है, और मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जो पंचायतों के विधान परिषद भी चुनाए जाएंगे वो भी हमारी पार्टी के लोग, उन्हीं लोगों को टिकट देने का, रूप जिताने का काम करेंगे जो पंचायतों को अधिकार देने का काम करेंगे। आपके बीच में ये कहने के लिए खाली में आए। गाजियाबाद के मोदी नगर में समाजवादी पार्टी की ओर से ग्राम करछीना में सदस्यता अभियान समारोह का आयोजन किया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने खुले मंच से बीजेपी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी को चोर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डकैत कहा। इस सदस्यता अभियान में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्यों ने सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गाजियाबाद के मोदी नगर में बालवाड़ी पब्लिक स्कूल पर संगीता सिंह ने आरोप लगाया।
मुफ्त शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन किया गया था, लेकिन प्रत्येक माह दोनों बच्चों की हजारों रुपए फी वसूली गई। वह फीस न जमा कर पाने पर परीक्षा में नहीं बैठाया गया और जाति सूचक शब्दों में अपमानित किया गया तथा संगीता ने इस समस्या की शिकायत पत्र द्वारा जिला अधिकारी को दी और अपील की स्कूल के खिलाफ कार्रवाई और बच्चों की फी माफ। मेरी समस्या ये है कि मैं एक दलित वर्ग समाज से महिला हूँ। मेरे बच्चे बालवाड़ी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कौन से वाले बालवाड़ी में? ये गली नंबर 3 में जो डिंगरण बारात घर के पास है। अच्छा। हाँ, उसमें मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। बेटी 3rd में पढ़ती है, बेटा 1st में पढ़ता है। अच्छा। इन्होंने मेरे से जो क्या कहते हैं 25% में जो 3 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें उसके उसमें ही मेरा एडमिशन हुआ था दोनों बच्चों का। इन्होंने तभी से ही फीस बराबर ले रहे हैं दोनों बच्चों की। पूरी फीस ले रहे हैं? 25% ले रहे हैं? नहीं, पूरी ही फीस ले रहे हैं दोनों बच्चों की ही, हर महीने की, जिसमें कि मेरी अगस्त महीने तक की पूरी फीस जमा है दोनों बच्चों की। तो समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि अगस्त तक की पूरी महीने की फीस जमा होने के बावजूद भी मुझे सितंबर में पेपर हुए थे बच्चों के, पेपर देने से मना कर दिया। तो आपने बताया नहीं कि मेरी फीस जमा है? मैंने बताया था, मेरे पास स्लिप दिया आई कार्ड पे जिसमें अगस्त माह तक की पूरी दोनों बच्चों की फीस जमा है, उसमें सितंबर में फिर मुझे स्कूल से भगा दिया गया बच्चों के, सितंबर माह की फीस जमा करो तब बच्चों को पेपर देना है। मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा, मुझे अपमानित किया गया, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? मैंने शिकायत करी है इसकी। कहाँ पर? मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे थाने में भी एप्लीकेशन दी है, जिलाधिकारी के भी दी है, सब जगह करी है मैंने। क्या कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अभी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मैं चाहती हूँ कि कार्यवाही हो। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात।